संस्थिताय नमः। ओम शम भक्त अरिष्ट नाशनाय नमः। ओम शम भक्त शत्रु मर्दने नमः। ओम शम भक्त शत्रु हंत्रे नमः। ओम शम भक्त अरिष्ट नाशनाय नमः। ओम शम भक्त हरि हरि मर्दनाय नमः, है ना। ओम शम महावश्याय नमः। ओम शम महाशांताय नमः। ओम शम वैरी नाशने नमः। ओम शम भक्ति प्रदाय नमः। ओम शम धन प्रदाय नमः। आया सब। ओम शम मात्र पित्र सेवकाय नमः। ओम शम सूर्य प्रियाय नमः। ओम शम छाया प्रियाय नमः। ओम शम करुणा प्रदायिने नमः। ओम शम ममता प्रदायिने नमः। जिन शब्दों के तुम अच्छे से अर्थ जानते हो उनको शरीर से जोड़ दो और 108 नाम याद कर लो, और 108 नाम याद हो गए ऐसे मन ही मन ओम शम ऐसे करके सोए और सवेरे उठे तो दूसरा काम करना। कौन सा काम करना है? सवेरे का कौन सा काम होता है हमारे यहाँ? पहले दो दिन जिव्या से जाए, अगले दो दिन उपांशु और मानसी, अगले दो दिन बहुत दिन से सुनते आ रहे हो, अभी बताओ। मानसिक 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 मंत्र के दो जन, और फिर अगले दो दिन गुरु मंत्र, और फिर अगले लोगों का जाप करना है, ठीक है। अगर बाधा नहीं है तो, अगर बाधा है तो पहले बाधा कटेगी और बाधा कट जाएगी ऐसे जैसे आपने काम किया है। बोलिए जय शनिदेव। अब आगे की बातें विस्तार से सुनो। सवेरे उठे निश्चल हो, जहाँ उठ रहे हो वहीं बैठ जाओ, ठीक है। अब उठे आँख खुली कि आप बैठ गए, और बैठ गए तो क्या करना है? अब आपको लाभ प्राप्त अपने आप हो जाएगा। आपने कुछ करना ही नहीं, कुछ करने से भगवान की प्राप्ति होती नहीं है। कुछ कर करके थक लेते हैं तब ईश्वर की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। कैसे हो जाती है? वो हमारे से अभिन्न था, अभिन्न है, अभिन्न रहे। हम उसी के तेज का अंश है। जैसे सारे जगत में आकाश तो है लेकिन मिला हुआ नहीं है किसी भी चीज़ से, ऐसे ही भगवान तो है लेकिन वो किसी से संलग्न है नहीं, सब उसी के अंतर में दिखाई देते हैं, है ना। जैसे पृथ्वी और आकाश मिले मिले से दिखाई देते हैं दूसरी चीज पर, लेकिन मिलते हैं नहीं कदापि, लेकिन मिलने का भ्रम रह जाता है। ऐसे ही कितने शरीर आपने धारण किए हैं, इतने सारे शरीरों में आ जाओ, कहाँ चली गई? इधर आओ, भेद क्यों नहीं कहा है ना? साधना तो कर चुके ना, करिए क्या नाम लिखना है नहीं तो फिर आया समझ में? तो फिर भगवान जो है वो वर्णनातीत है, जिसका वेद उपनिषद सारे पुराण गीता आदि भी कोई भी उसका वर्णन पूर्ण कर नहीं सकता। जैसे विराट स्वरूप है ना, भगवान ने विराट स्वरूप कभी किसी को दिखाया नहीं, चतुर्भुज रूप दिखाया, विराट स्वरूप एक नहीं देखा, वो कौन? अर्जुन। इसलिए संजय जो है साथ साथ देख गए, संजय को आनंद आ गया, संजय महाराज की दृष्टि खुली हुई थी उस समय, धृतराष्ट्र को बताने लग रहे थे और भाग्य से संजय का ऐसा अवसर आ गया। जैसे भगवान के सारथी है ना अरुण, अरुण के पुत्र भी दोनों तेजस्वी हैं, इसलिए जो भगवान सूर्य के सारथी है अरुण, ऐसे ही सारथी जो है संजय थे किसके? धृतराष्ट्र या पांडव के, पांडु के, ठीक है कि नहीं। तो फिर जो संजय है वो ऐसे नम्र हैं कि उनकी और दृष्टि किसने खोल दी? वेद व्यास, और उनको भगवान के दर्शन हो गए। इसका मतलब वेद व्यास जो भगवान का वर्णन करते आ रहे हैं पुराणों के माध्यम से, वो हमारी भारतीय सभ्यता के हिंदू परंपरा के बहुत बड़े महापुरुष, पुराण पुरुष और देव हैं, और बहुत बड़े आजान बाहु देवता है ना, जो कभी मिटने वाले हैं नहीं इस तरह से। तो वो भगवान का वर्णन लिखते हैं,
और उस वर्णन को संजय कहता है विराट स्वरूप देख रहा हूँ मैं, धृतराष्ट्र को भी बता रहा, ठीक है, चूँकि धृतराष्ट्र के मन में श्रद्धा नहीं है, एक बात याद रखनी है, इसलिए धृतराष्ट्र का उद्धार ही नहीं होता, उद्धार किसका होता है, संजय का, इसका उद्धार होता है धृतराष्ट्र, तो ये देख रहा हो इतना बड़ा रूप दिखा दिया, ठीक है, पर बोला कहीं इसको बहका तो नहीं रहे, वो छलिया है, कहीं छलिया वाला रूप तो नहीं दिखा दिया इसको, संजय हो सकता है उसी का वर्णन कर रहा हो मुझे, पर ठीक है मान लेता है एक बार, लेकिन संजय के अंदर उत्सुकता भी है, भगवान का स्वरूप वो देख भी रहा है और संजय जो है भगवान से जुड़ा हुआ भी, तो उस विराट स्वरूप को देखने की उत्सुकता, बार बार उसका वर्णन संजय कर रहा था गीता में, और अर्जुन भी है ललसाया था, भगवान तो विराट स्वरूप दिखाते और बताते भी हैं कि आज से पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं है, सब उसी में मर खप रहा था, सब उसी के अंतर में जा रहे थे, सारे नक्षत्र गण ग्रह गण तारा गण देव गण हैं, अप्सराएं कंदराएं यक्ष पहाड़ किन्नर विद्याधर हैं, सारे सारथी भूमि सब उसी के अंतर, समुद्र सागर आकाश सब उसी के अंतर में समाया हुआ। अब इसका वर्णन कौन करे, वर्णन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम संसार में बैठे हैं, लोगों के बीच में बैठे हैं, तो जिस मन का संयोजन हम वर्णन करने के लिए करते हैं, उस मन का तो स्वभाव अलग अलग है और वो सबका मन अलग अलग है, और उसमें बाह्य यानी कि जो बाह्य वायु है इसके संस्पर्श से ये आकाश तक मलिन हो जाता है, कुपित हो जाता है, तब उस बाह्य मलिनता से जो अंतर का आकाश भी मलिन हो जाता है, आत्मा पे आवरण चढ़ जाता है, जिससे उसमें बैठ के वर्णन करते हैं, तब अशुद्धि तो आती ही आती है, पूर्ण रूप से शुद्ध वो होता नहीं है, इसलिए जब आदमी समाधि में होता है तब तो भगवान के दर्शन करता है, जब समाधि से बाहर होता है उन दर्शनों की व्याख्या लिखता है, तब उसमें कमी आएगी, तब मन के स्वभाव के अनुरूप व्याख्या लिखेगा, है ना, बहुत बड़ी बात। अब जो वर्णनातीत है उसका वर्णन कौन करे, जो शब्दातीत है उसको शब्द से भेदे कौन, जो सब चीजों के अतीत है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या हो जाते हैं, मौन, क्या हो जाते हैं, मौन। अब सब कुछ करना, खाना पीना सब क्रिया दूसरों के लिए करो, कदापि अपने लिए करो ही नहीं। आगे जैसे खाना शरीर के लिए करो, शरीर किसके, संसार के काम के लिए, आपके काम के लिए शरीर है ही, आपने अपने के लिए माना तो मतलब अहम लगाया, मन लगाया, अपने ममता लगाई, आपने अपने लिए नहीं माना तो कुछ लगा ही नहीं, फिर नहाए धोए क्या हुआ, है ना, तो 2 मिनट में नहाना 2 मिनट में खाना और खा के उठ जाना, बाद में भक्तों का काम करना, अपना जप करना, लोगों का बारे में सोचना, सबका भला सोचना, सबके विकास की सोचना, जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके विकास की सोच लेना, आप अलग रहना, जैसे आप जाति से ब्राह्मण हो गए, मैं ब्राह्मण हूँ तो इसमें सब बदलता है, फिर आप बूढ़े हो गए, मैं बूढ़ा हूँ, इसमें सब बदलता है, जवानी गई बचपन गए हैं, प्रौढ़ावस्था किशोरावस्था सारी अवस्थाएं इसमें चली जाती है, आ गया बालपन भी इसमें चला गया, फिर ब्राह्मणपना जाटपना ये सब इसमें चले गए, शूद्र हूँ ये हूँ क्षत्रिय हूँ ये सब इसमें बह गया, लेकिन जो हूँ है वो एक समान रहा, आपका होना हमेशा निश्चित रहा, मरने के बाद भी मैं प्रेत हूँ तो हूँ कोई और है जिसने प्रेत शब्द को ग्रहण कर लिया, सबसे अलग होना है, किससे अलग होना है, सबसे अलग होना है, सब कौन है, जड़ है, कौन है, जड़ है, तो आपका जो अचिंत्य स्वरूप है, आपका जो चेतन स्वरूप है, उसकी प्राप्ति अपने आप हो जाएगी, आप अपने लिए कोई क्रिया करें ही ना, जो करें वो संसार के लिए ही करें, तब चूंकि आप शरीर ना थे ना है ना रहेंगे कदापि आगे आगामी आने वाले वर्षों तक, आप हमेशा ईश्वर का अंश रहे हैं, वह प्रभावी अंश जो एक सूर्य की तरह चमकता रहता है, इसलिए जब आप उसके सन्निकट होते हैं, आप में श्रद्धा और संवेग बहुत ज्यादा होता है, सारी क्रियाएं जो हैं वो विफल है भगवान के साथ, आप किसी भी क्रिया से उसको पा नहीं सकते, जब क्रिया के अतीत हो जाओगे तब पाओगे, यानी कि क्रिया करते करते थक जाओगे आप सारी क्रियाएं, तब वो मिलेगा नहीं, तब क्रियाएं सारी की सारी बंद हो जाएंगी, भाई एक लाइट जला दिए, ऐसे ही कह रहा है, एक लाइट जला दो ये, तब सारी क्रियाएं बंद हो
जाएंगी, इसलिए पहले ही बंद करो। आप क्रिया हो नहीं, आप संसार हो नहीं, संसार आपसे भिन्न है, आप केवल एक पवित्र आत्मा हो। क्या हो? ये ही भाव ग्रहण कर लो। शरीर ने खाया, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भगवान ने इस शरीर को दिया, दूसरों की सेवा करने के लिए, तब सब कुछ दूसरों के लिए, आप अपने लिए कभी कुछ कुछ करते ही, और भगवान जैसे अपने लिए कुछ नहीं करते, ऐसे आप क्यों करते? आप भी भगवान का अंश हो, तब अपने लिए कदापि कुछ करना, जो शरीर से जुड़े हुए हैं उनके लिए करना। आप तो शरीर से नहीं जुड़े हुए, आप तो परम आत्मा है, महान आत्मा है, आप ईश्वर का अंश है, आप चेतन है। जब इस भाव में जियोगे तो भी देखोगे प्रेत तो है ही नहीं, कहीं कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। जिनको बाधाएं हैं उन बाधाओं का हनन तुरंत के तुरंत हो जाएगा। बोलो शनिदेव महाराज जय। अब जहाँ इस भाव को पकड़ मिली, है ना, कोई काम करते करते पकड़ बनती है ना उसकी, तो जहाँ इस भाव को पकड़ मिली और आपने अपने आप को समझा ही मान, भाई देखो नहीं है तो डलवा, और इस भाव को थोड़ी सी पकड़ मिलते ही आपको लाभ होने लगे, आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। यानी कि भूत भविष्य और वर्तमान आपके सामने एक ही वर्तमान में उपस्थित हो जाएगा, तब आंख बंद करके भी आंख खोल के भी इस आकाश के समान आप अपने आत्मा को देख पाओगे धीरे धीरे। तब अंधेरा कभी आपके सामने नजर नहीं आएगा, जो अंधेरा अभी कायम है सदा के लिए वो सदा के लिए मिट भी जाएगा, क्योंकि उसकी सत्ता कभी कायम रह नहीं सकती आपके तेज के सामने। तब जो जो आकाश दिखाई देता है जहाँ जहाँ जाते हैं, तब तो आप आकाश की तरह बड़े हो जाओगे, विशाल हो जाओगे, वृहद हो जाओगे, और आप सबसे दूर भी हो जाओगे। तब आप किसी के संलग्न में रहोगे नहीं, संलग्नता रहेगी नहीं, ठीक है। अब जिसने जो मांगा वो कर दिया, जिसने जो चाहा वो कर दिया, अच्छा बुरा नहीं क्या? अच्छा बुरे को लिए सदा के लिए रोक दो, बुरा मेरे जीवन में है नहीं। ईश्वर कभी बुरा नहीं करते, जो करते हैं जगत के कल्याण के लिए करते हैं, मानव के उद्धार के लिए करते हैं। आपने भी जो करना है जगत के कल्याण के लिए करना है, मानव के उद्धार के लिए, तब आप चूंकि ईश्वर की संतान अपने तेज को पहचान जाओगे। आगे ना, कर्म करने से कदापि ईश्वर मिलता नहीं है, इसलिए सारी दुनिया उसको ढूंढ तो रही है लेकिन वो मिलता ही नहीं। उसमें खुद कोई क्रिया नहीं है, वो क्रिया के अतीत है। आगे ना, मैंने एक दिन कल परसों समझाया भी था आपको, आप ना तो कर्म करते हैं ना फल की इच्छा करते हैं, ये कौन है? ना कर्म करता ना फल की इच्छा करता, ये है अक्षर पुरुष, ये है भगवान की परा प्रकृति। और है परा कौन सी, जड़ कौन सी? जो क्रिया तो करते हैं फल की इच्छा नहीं करते, ये पुरुषोत्तम पुरुष है कि नहीं? और ये शर पुरुष कौन सा, जड़ प्रकृति कौन सी? कि जो कर्म करता है फल की इच्छा करता है, ये शर पुरुष, यानी कि हम सबके शरीर, जो शरीरों से जुड़े हुए हम हैं नहीं, लेकिन हमने शरीर से जुड़ना ही नहीं है। तब पुरुषोत्तम हो जाना है, कर्म तो करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, उसको दिमाग से निकाल देना। आए आए जो आए उसको भी ईश्वर के सुपुर्द कर देना है कि ये आया है, ये तेरा फल है, तू ले, मुझे आवश्यकता है ही नहीं। अब एक पुरुष और है, वो कोई पुरुष भी नहीं है, ठीक है ना, वो ही मैस्कुलिन जेंडर। वो क्या चाहता है कि कर्म तो करता नहीं और फल चाहता है ढेरों, तब वो केवल दुख को पाता है, केवल कष्ट को प्राप्त करता है, तब उसको ऐसा होता है कि वो केवल कष्ट ही प्राप्त करता है। अब आप कर्म तो करो नहीं और फल चाहो ढेरों, है कि नहीं? ऊंचे ऊंचे महलों में रहना चाहो, ये सब चाहो, वो चाहो, तब ऐसा जो व्यक्ति होता है जो जड़ से जुड़ा हुआ है, तब वो कुछ भी पाता नहीं, केवल दुख के अलावा। अब हम दुख पा रहे हैं, अब हम दुख पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम आलसी हैं, हम कर्म तो करते नहीं और फल की इच्छा, अगर हम कर्म करें और फल की इच्छा ना करें तो हम पुरुषोत्तम हो जाएं, है ना। और जो कर्म नहीं करता और फल की इच्छा भी नहीं करता, वो तो अक्षर ब्रह्म ही है, भगवान ही है,
वो तो परमेश्वरी है, ठीक है कि? और जो अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर लेता है वो भी परमेश्वर की सत्ता में शामिल हो जाता है, उसी समय उसको ब्रह्म का सायुज्य होता है। लेकिन ऐसा सायुज्य कब हो? जब अपने को शरीर ना समझा जाए, अपने को वही समझा जाए जो ईश्वर का तेज है। तब यहाँ आता है एक दुआ, अहम ब्रह्मास्मि, एक सूक्त आता है ना, अहम मैं ब्रह्म हूँ। तब समझ में उसी समय आएगा, आज तो आएगा नहीं। आज कहने से भी मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म नहीं हो जाओगे। इसलिए पहले जड़ता को त्याग दो। क्या कर दो? त्याग दो। ऐसे रटने से अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, सो हम ऐसा भी बहुत सारे महात्मा कराते हैं, है ना, बहुत सारी भारत में परंपराएं हैं, ठीक है ना। तो द्वैत, अद्वैत, अद्वैत का मतलब आप उसी ईश्वर की परंपरा से जुड़े हुए हैं जो वो स्वयं है ना। लेकिन इस बात को गूढ़ता से, इसके महत्व को गूढ़ता से समझना पड़ेगा। क्या कि शरीर किसके लिए मिला है? सेवा के लिए। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है क्योंकि सेवा करनी है। इसलिए आपने खाना खाना है, इसलिए आपने भोग लगाना है, इस शरीर को भोग देना है और इसलिए इसको स्वस्थ रखना। बोलो जय श्री। अब दूसरा, चूंकि आप ईश्वर की परम सत्ता के ही तत्व, ईश्वर के ही तत्व, आप स्वयं वही ऊर्जा, वही रोशनी हो, इसलिए वहाँ कोई क्रिया है नहीं, ना क्रिया के बाद का कोई फल लेने की इच्छा है। तब आप अहम ब्रह्मास्मि इस पद पर कब आरूढ़ होते हो? जब आप इस बात को ठीक से पका लेते हो। और ये पकते पकते पक जाएगी। जैसे ये पका कि मैं ब्राह्मण हूँ, जैसे ये पका कि मैं मनु भैया हूँ, जैसे ये पका कि मेरा बुढ़ापा है, जैसे ये पका कि मेरे बाल पक गए हैं, जैसे ये पका कि सरदार मेरा है, ऐसे ये भी पक जाएगा। तब पकाना है ना, मेरे बाल छोटे हैं, मेरे दो बच्चे हैं, ये पक गए हैं सारे, ऐसे ये भाव भी पकाना है। कैसे पक गए? है ना, कि मेरे दो बच्चे हैं, जो कुंवारा है वो ये सोचता है मैं अविवाहित हूँ, सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कोई पूछता है तू कुंवारा है? हाँ भाई। कोई पूछता है तू विवाहित है? हाँ भाई। ठीक है, आगे ना समझ में। तब 1600 योजन आगे चले जाओ, तब भी आप विवाहित रहोगे। सरदार कहीं चला जाए, विवाहित है, विवाहित रहेगा, सरदार भी रहेगा और विवाहित भी रहेगा, है कि नहीं? तो मैं सरदार हूँ, ये भाव आ गया, मैं सरदार हूँ, असरदार हूँ, है कि नहीं? तो ये भाव आ गया, वो भाव को पका दिया। इसी तरह ये भाव आपका होना चाहिए कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, शरीर मुझे सेवा के लिए मिला है और मैं इस सबसे, इस संसार से, जड़ता से संबंध नहीं रखता हूँ। तब आपका जड़ता से संबंध तो रहेगा नहीं और आपका धीरे धीरे ये भाव पक जाएगा। तब शरीर को स्वस्थ रखकर दूसरों की सेवा करने का भाव पक जाएगा। अब सेवा कर देनी, बुरा कुछ नहीं करना है, क्या करना है? सेवा करनी। और करत करत अभ्यास के जड़वती होत सुजान। तब सेवा करते करते दूसरों की शरीर से तब अपने स्वरूप को कैसे पा जाओगे? क्योंकि आपने कोई भी कर्म अपने लिए नहीं खाया। भी शरीर को इसलिए स्वस्थ रखना है कि भगवान का कार्य करना है। उसने शरीर को दिए तो शरीर को दिया है तो महत्ता भी देनी है। शरीर को महत्ता तो देनी है लेकिन उससे जुड़ना नहीं है, मतलब उसकी साफ सफाई कर देनी है, उसको स्वस्थ रखना है, ठीक है, शौच आदि के नियम पालन करने हैं, हमेशा ये विचार भी करना है, विवेक को बढ़ावा देना कि टॉयलेट चले जाते हैं थैली मल में फिर भी भरी रहती है, ऊपर से चिकना होने के बाद, अंदर से भी चिकना होने के बाद, अंदर है तो मल ही, ये सारी बात सोचने की जरूरत है। ये शौच आदि नियम होते हैं जो धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, इन सब में ये सब काम आते हैं। इससे हमारी ऊर्जा जो है वो ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाती है, हमारे भाव जो है वो ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाते हैं। अब अगर तीव्रता से संवेग इसमें हुआ तो आप आत्मदर्शन बहुत जल्द करते हो, आप अपनी प्राप्ति बहुत जल्दी करते हो। अगर संवेग की कमी हुई तो धीमी गति हो जाती है। लेकिन करत करत अभ्यास की
मिले सबको ही जाता है, ना मिले सबको ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो सबका ही है, वो सब जीवों का, सब जीवों के उद्धार के लिए वो खुद चला आता है और फिर उनको यही बातें ज्ञान की बताता है। तब गीता में यही बात अर्जुन को बताते हैं और वही गीता हमारे लिए गीत है। उस गीत को पढ़ के हम उसकी बातों पे अमल करके और वो सब आपके कर्णपुटों से आपके अंतर में निहित करते हैं और यही गुरु का काम होता है। तब उस शब्द से आपकी जागतिक अवस्था आती है, तब अपने आप को समझने लग जाते हो और तब जब समझने लग जाते हो तब पूर्णता की ओर चलते हो और जिस दिन पूर्ण हो जाते हो उस दिन गुरु पूर्णिमा का सही अर्थ जान जाते है। तो क्या करना है, अपने जप को बखूबी करना है बिना कुछ सोचे समझे। पहले 6 दिन निभाने हैं, उससे जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश तत्वों को शुद्धिकरण होता है और वो शुद्धिकरण मैंने बताया भी है, क्योंकि बाहर की जो वायु है वो रक्त रंजित है और वो मलिन है और उस मलिनता को अपने त्यागना ही पड़ेगा। जब तक आप अंतर में उत्पन्न उस नाद को नहीं सुनते, अंतर में उस ध्वन्यात्मक शब्द को नहीं सुनते, तब तक जिह्वा से कुछ भी कर लेना पार नहीं पड़ेगा। तब मन ही मन विचार करने से, विवेक को बढ़ावा देने से, मन मन पे जाप करने से आपका मन जहाँ से निकला है, जहाँ से निकल के उजान में बह रहा है, जहाँ से वो अशांति की ओर चला है, वापस शांति की ओर लौटना चालू कर देगा। वरना तो करोड़ों जन्मों तक व्यग्र होके अशांति अशांत रहकर कुछ मिलेगा नहीं। तब जब तक उसको शांति नहीं मिलेगी, जब तक वो ईश्वर की शरण ग्रहण नहीं करेगा। तो सच्ची शरण ग्रहण करते हुए अपनी पूरी सफलता का जिम्मा भगवान के जिम्मे ही छोड़ दो कि मेरा हाथ पकड़ लिया, मैंने अपना हाथ तेरे को पकड़ा दिया, अब देखो ही मत मैं गिरूंगा। जब भगवान को हाथ पकड़ा देते हैं तो गिरने की बात नहीं ना। पिता हाथ पकड़ ले फिर बालक नहीं गिरता है, हाँ बालक पिता का हाथ पकड़े रखे तो गिर जाता है, डोले पे चलता है पिता बच्चे को साथ लेके। अब बच्चे ने अंगुली पकड़ी हुई है वो कहीं भी गिर जाएगा, जहाँ एक कदम नीचे पड़ा, लेकिन अगर पिता ने हाथ पकड़ा हुआ है तो गिर पाएगा। तब जैसे ही हमारा सबका अनुभव है, जैसे ही हमारा पैर नीचे की तरफ गिरने लगा तब पिता का हाथ कसाव में आ गया और हमारा दूसरा पैर गड्ढे में जाने से बच, तब उस दिन गुरु का होना भी सार्थक हो जाता है और आपको पता भी चल जाता है कि जिसकी आपने शरण ली है वो सदा सदा आपके साथ है। बोलिए जय शनि। अब आपके उद्धार की कामना करता हुआ शनिदेव महाराज से आपको अच्छे फल की इच्छा प्रदान करता हुआ कि आप जो कार्य कर रहे हैं संसार को बखूबी अपने लाभ देने के लिए, आप जो योजना में हमारी में शामिल हुए हैं लोगों का कल्याण करने के लिए, और आप जो अपने शरीर की महत्ता को समझते हैं संसार के उपयोग के लिए और संसार की भलाई के लिए और ईश्वर की उस सत्ता की परम सत्ता की ओर जाने के लिए, तो आपका इससे कल्याण है, अन्य संसारियों का भी इससे कल्याण है। क्योंकि जब आपकी ऊर्जाएं उसके तेज से ब्रह्म तेज से मिलकर चलेंगी तब आप दूसरों का कल्याण कर पाओगे और आपका जन्म सार्थक हो। बोलो जय श्री।